चुराह कांग्रेस इकाई के विभिन्न संगठनों ने शनिवार को विधानसभा उपाध्यक्ष को संवैधानिक पद से हटाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। तदुपरांत इस मांग को लेकर एडीएम चंबा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। इस धरना प्रदर्शन की अगुवाई कांग्रेस सेवा दल की चुराह इकाई के अध्यक्ष प्रकाश भूटानी ने की। प्रकाश भूटानी ने कहा कि गत रोज विधानसभा उपाध्यक्ष का एक स्कूली छात्र को थप्पड़ मारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस वीडियो में विधानसभा उपाध्यक्ष ने असभ्य भाषा का प्रयोग भी किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा उपाध्यक्ष का इस तरह का कारनामा करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी वे कई ऐसे मामलों को लेकर चर्चा में रहे हैं। हंसराज तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हंसराज तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा दो रंगा। बोलो भारत माता की जय, जय, जय। तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हंसराज होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव की जनता करे पुकार, बोले बच्चों बेटियों को बचाओ सरकार। चुनाव की जनता करे पुकार, बोले बच्चों बहु बेटियों को बचाओ सरकार। छात्रों का शोषण जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुंगीदारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, मुंगीदारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। आज विधानसभा क्षेत्र चुरा से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय एडीएम महोदय से चंबा में मिला है और परसों माननीय श्री हंसराज जी के द्वारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैला में जो स्थानीय विद्यार्थियों के साथ मारपीट की गई, उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, इस संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल जी को आज ज्ञापन भेजा है। हमने एडीएम महोदय से भी प्रार्थना की है कि इस विषय में 3 दिन के अंदर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। अगर इस विषय में सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो चुराह कांग्रेस जो है वो एसडीएम कार्यालय चुराह में क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठेगी। हम लोग अनशन करेंगे, धरने प्रदर्शन करेंगे ताकि विधानसभा क्षेत्र चुराह में जो हंसराज जी के द्वारा गुंडागर्दी, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और आतंक का माहौल बनाया गया है उसके खिलाफ स्थानीय जनता की आवाज़ को बुलंद किया जा सके। सिंह बीडीसी दुलार बार्ड चंबा ब्लॉक और कांग्रेस पार्टी में जिला का उपाध्यक्ष एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी। आज हम चुराह का एक कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने आए हैं और जो अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैला में परसों की बात है, हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी वहाँ पर स्कूल का दौरा करने गए और उन्होंने असंवैधानिक तरीके से, क्योंकि उनको क्लास लेने का वैसे कोई अधिकार नहीं है, आधिकारिक रूप से वो क्लास लेने के लिए योग्य नहीं है, और वो क्लास में घुस गए और उन्होंने जो एक हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कहता है उसके तहत जो क्लास रूल के मुताबिक होनी चाहिए उसमें ना तो शारीरिक रूप से और ना ही मानसिक रूप से कोई भी शिक्षक पढ़ाने वाला प्रताड़ित करना जो है वो अवैध है, उसके उन सब नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए शिक्षा के अधिकार अधिनियम को ताक पर रख करके उन्होंने बच्चों को मानसिक रूप से तथा शारीरिक रूप से दोनों तरह से प्रताड़ित किया है, जिसका वीडियो प्रूफ हमारे पास है। हमने उसको ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी से मांग की है कि इस जो ये कृत्य किया है उसके लिए उन्हें उसके उपाध्यक्ष के पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए या फिर वो नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए जो उपाध्यक्ष जो हैं उस पद से इस्तीफा दें। दूसरा, उन्होंने जो स्कूलों को आज का आगे भी उनके कंटिन्यू प्रोग्राम है, स्कूलों को उन्होंने राजनीतिक अखाड़ा बनाया हुआ है, तो स्कूलों का जो राजनीतिक अखाड़ा है उसको बंद करें और स्कूलों का राजनीतिकरण ना करें। उनका दौरा या फिर वो स्टाफ की आज तक उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री के भी दौरे हुए और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी का भी दौरा हुआ, उन्होंने कभी भी स्कूल में जो खाली वैकेंसी चली हुई है हमारे चुरा विधानसभा क्षेत्र में 32 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और 100 से भी ज़्यादा वहाँ पर वैकेंसी चल रही हैं। कुछ ऐसे स्कूल हैं जो 2016 से अपग्रेड हुए हैं पर आज तक वहाँ पर एक ना तो प्रिंसिपल और ना लेक्चरर की पोस्ट भरी गई है, तो वो पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह से खाली हैं और उन बच्चों का क्या हो रहा होगा आप इस सूरत को समझ सकते हैं।
सकते हैं। तो उन्होंने आज तक इन वैकेंसी को भरने के लिए कोई भी मांग नहीं उठाई है सरकार से और ना ही केंद्रीय मंत्री से। दूसरी बात, वो क्योंकि इनके पास मेरे ख्याल से तीन से चार महीने बचे हुए हैं अभी सरकार के पास, और उन्होंने जा करके लोगों को बहला फुसला रहे हैं झूठ बोल करके कि मैं अपने मानदेय के हिसाब से 5,000 के रूप में एक टीचरों को नियुक्त कर दो और हम उसको चलाएंगे। तो ये एक झूठा ढकोखला है। अगर वो सच में शिक्षा के क्षेत्र में चुरा की जनता को या चुरा के भविष्य को आगे लाना चाहते होते तो वो 10 साल से चुरा के विधायक हैं, 9.5 साल उन्होंने पूरे किए हैं। आज तक वो शिक्षा के क्षेत्र में मांग रखते और अध्यापकों की कमी को पूरा करते। तो हम अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि या तो उपाध्यक्ष जो है वो अपनी नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए पद से इस्तीफा दें और स्कूलों का दौरा करना बंद करें, क्योंकि वो ना तो योग्य अध्यापक है और ना ही वो एक अच्छे नेता साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो जनता की जो आवाज है उसको उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। और राज्यपाल जी या फिर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश या फिर हमारे शिक्षा मंत्री हिमाचल प्रदेश हैं, उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उनको अपने पद से मुक्त करें और हमारा जो चुरा की भोली भाली जनता है उनके लिए न्याय प्रदान करें। मैं याकूब मोहम्मद, NSU कैंपस प्रेसिडेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तीसा, विधानसभा क्षेत्र चुरा। आज एक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल ADM चंबा से मिला, जिसमें माननीय विधायक हंसराज जी के द्वारा जो है एक स्कूल में एक छात्र के साथ जो है उस पर थप्पड़ जड़ दिया जाता है। उसके उपरांत जो है उसके पिता को उनके द्वारा जो है अपने लोगों को भेज करके उसके पिता से एक वीडियो वायरल होती है, तो जिसमें माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष एक सच्चा करार देते हैं कि मैंने थप्पड़ सिर्फ शिक्षा के लिए ही या इसको सुधारने के लिए ही मारा है, जबकि एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठ करके एक व्यक्ति जो है छोटे बच्चों पर थप्पड़ मार रहा है तो बहुत ही दुख का समाचार है। तो हमने एक ज्ञापन सौंपा है जिसमें मुख्यमंत्री से और महामहिम राज्यपाल से मांग की है कि माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी का जो है इस्तीफा दिया जाए, इस्तीफा देना चाहिए, तो यही हमने मांग की है।